हेलो, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 28 नंबर है इनका एवरेज कितना है, 77। यानी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 28 नंबर है इनका एवरेज 77 है, और शुरू के जो 14 नंबर है इनका एवरेज 74 है, और लास्ट के जो 15 नंबर है इनका एवरेज कितना है, 84 है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 14 नंबर को हटा दें तो हमारा एवरेज जो रहेगा कितना हो जाएगा, यानी अगर हमारे पास 28 नंबर थे, एक नंबर घट जाएगा तो 27 नंबर बचेंगे, तो हमें 27 नंबर का एवरेज बताना है। अच्छा, एक बात देखिए, आपको पता है ये जो शुरू के 14 नंबर हैं इनका एवरेज 74 है, यानी नॉर्मल एवरेज से कितना कम है, 3 कम है। कितने नंबर का, 14 नंबर का। अच्छा, और ये जो 15 नंबर है लास्ट के इनका एवरेज कितना है, 84, तो नॉर्मल एवरेज से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कितने नंबर का, 15 ज़्यादा है, और यही आपका क्या है, यही आपका 14th नंबर है। बस आपको जब भी नंबर पूछे इस तरह आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कौन किससे नॉर्मल एवरेज जो है उससे कंपेयर करना है। तो जो नंबर नॉर्मल जितना कम है वो निगेटिव साइन में आएगा, और जो जितना ज़्यादा है वो पॉजिटिव साइन में आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, -42 +105, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 63। यानी 14th नंबर कितना आ गया आपका, 63। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर 14th नंबर हटा दे तो एवरेज कितना रहेगा। देखिए, एवरेज है कितना, 77, और 14th नंबर कितना है, 63। और 63 अब कितने लोगों में कम होगा, ये कम होगा 27 लोगों में कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 77 माइनस, आप किससे इसको घटाएंगे, आप इसको 9 से घटाइए, तो 97 इधर आ जाएगा, 97, और ये 93 आ जाएगा। यानी 77 माइनस 32 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 74 पॉइंट, यहाँ पर 2.3 आएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 अपॉन 3, तो 2.3 आएगा, तो आप यहाँ पर 74.7 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।